बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ IUC कंडेल फॉर्म गया बिहार। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉट स्क्वायर एक्स। तो इस वैल्यू को, इस लिमिट को फाइंड करने से पहले तो हम, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका ये, सबसे पहले तो इसको हम फार्म को चेक कर लेते हैं किस फार्म में ये अभी है, फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो फॉर्म चेक करने के लिए हम देखते हैं न्यूमरेटर में जब x बराबर ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो के स्क्वायर भी ज़ीरो होता है और log ज़ीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कहें तो इन्फिनिटी है। और यहाँ पर हम जब x बराबर ज़ीरो रखेंगे तो cot ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और log इन्फिनिटी की वैल्यू, log इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी के बराबर होती है। इससे पहले यहाँ पर आया था log ज़ीरो, तो log ज़ीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। हम यहाँ पर माइनस और प्लस साइन से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, इसकी जो वैल्यू से है उससे मतलब रख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो फार्म जो है वो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, जब ज़ीरो अपान ज़ीरो या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फार्म होती है तो हम यहाँ पर लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को अलग अलग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब इसमें न्यूमरेटर को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपान लॉग, वन अपान मतलब लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को मालूम है कि वन अपान एक्स होता है। तो यहाँ पर इसको एक्स समझते हुए वन अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक्स नहीं है, इसके लिए इसको दोबारा से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पर लॉग एक्स का वन अपान एक्स यानी कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इससे कॉट स्क्वायर एक्स का, क्योंकि इसको हमने एक्स कंसीडर किया था। ये अपान में आ जाएगा और ये डबल अपान में है तो कॉट का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये कॉट स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर नीचे, और यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना था एक्स स्क्वायर का जो कि टू एक्स हो गया। कॉट स्क्वायर का करना है तो पावर आगे जाएगी और जितनी पावर है कॉट के स्क्वायर में से एक कम कर देंगे, यानी एक बचेगी पावर, लेकिन ये एक्स नहीं था, ये कॉट एक्स का, इसलिए कॉट एक्स का फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। टू से टू काट सकते हैं और एक्स की एक पावर भी काट सकते हैं, जो बचेगी एक्स की एक पावर यहाँ पर बचेगी, यानी कॉट स्क्वायर एक्स अपान एक्स की एक पावर नीचे बचेगी और यहाँ पर इंटू कॉट एक्स भी बचेगा, तो कॉट एक्स भी बचा हुआ है। और यहाँ पर कॉट का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होता है, जो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। कॉट की एक पावर कैंसिल कर देंगे, ऊपर एक पावर बचेगी कॉट की, माइनस आ रहा है तो इस माइनस को हम लोग शुरू में बिल्कुल लिमिट से बाहर भी लिख सकते हैं। और लिमिट हमारे पास बची एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर कॉट एक्स बचा है अपान में, एक्स माइनस बाहर ले लिया तो एक्स इंटू कॉस एक स्क्वायर एक्स बचा है। अब इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, जो हम कर सकते हैं उनको, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यानी एक्स को ऐसे लिखा रहने दें, और इस कॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स अपान साइन एक्स होती है और कॉसिक की वैल्यू होती है वन अपान साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इससे साइन की एक पावर जो है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक पावर बचेगी, लेकिन ये डबल अपान में तो साइन को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन को ऊपर जाके इंटू होगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान में एक्स है। अब हम इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू वन होती है जब एक्स टेंस टू ज़ीरो होता है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू तो वन के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर एक्स बराबर ज़ीरो रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है और जिसकी इस पूरी लिमिट की वैल्यू वन आ जाएगी, लेकिन इससे लिमिट से पहले ये माइनस चल रहा था तो वो माइनस यहाँ पर शुरू में रहेगा, इसकी वजह से इसका आंसर जो होगा माइनस वन आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा सही लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट हमारा माइनस वन आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।